हेलो गाइस, आई एम सोमोजीत। आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल ऑल अबाउट टेक। तो भाई लोग, रियलमी 2 एंड सी वन में 11.8.62 वाला अपडेट आ चुका है, और जिस अपडेट के अंदर आप लोगों को काफ़ी सारा धमाकेदार फीचर्स मिले हैं। जिस फीचर्स के अंदर आप लोगों के मन में एक ही फीचर्स बैठा है, वो है भाई इसका डार्क मोड, यानी रियलमी लेबोरेटरी वाला फीचर्स। पर यहाँ पे और भी कुछ फीचर्स इंक्लूड कर दिया गया था, तो ये सब कुछ लेके हमें एक नया अपडेट तो मिल चुका है, पर अपडेट के अंदर हमें बग्स क्या कुछ मिला, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। रियलमी 2 एंड सी वन में 11.8.62 अपडेट के बाद हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, और नंबर 3, आप लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है तो वो मुझे नीचे जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये जो अपडेट है काफी अच्छा अपडेट है, पर जो जो चीज मुझे फेस करना पड़ा है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक के बाद एक। तो चलिए, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मेन एंड सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कि मुझे लगा इस 11.8.62 वाले अपडेट की, वो है इसका डार्क मोड। अभी आप लोगों को सभी को पता है कि ये जो रियलमी का डार्क मोड है, यानी रियलमी का जो लेबोरेटरी है, ये अभी अंडर बेटा वर्सन में है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट रियलमी लैब वन, रियलमी लैब यू कैन ट्राई आउट बेटा वर्सन ऑफ आवर ओएस फंक्शन। तो यहाँ पे Realme Lab अभी बेटा टेस्टिंग में है, तो यानी Realme Lab के अंदर अभी आप लोगों को जो चीज़ें, जो फीचर्स देखने को मिलेगा, उनमें कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बेटा अपडेट में है। तो ज़्यादा के ज़्यादा आप चीज़ों यहाँ से जो कि यूज़ नहीं कर सकते, यानी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी वो व्हाट्सएप, आप लोगों को तो पता ही है, बहुत टाइम से आप लोगों को ये पता है कि व्हाट्सएप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। जो सेंडर्स जो मैसेज सेंड कर रहे थे उसके अंदर दिखाई नहीं जा रहा था, फिर भी यहाँ पे और भी कुछ एप्लीकेशन से मैं रियलमी लेबोरेटरी में जाके आपको दिखा रहा हूँ। डार्क मोड के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे डार्क मोड पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नाम का एक ऑप्शन आती है, और उसी के अंदर काफ़ी सारे जो एप्लीकेशन में डार्क मोड देना नहीं चाहिए, उन एप्लीकेशन में भी इन लोगों ने डार्क मोड दे दिया है, और जिसके चलते यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुका है। लाइक इसका अमेजोन शॉपिंग, तो इसका लाइक रियलमी कम्युनिटी, तो इसको आप एनुअली ऑफ कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ऑफ नहीं कर सकते, पर ऑफ कर सकते, पर इसके चलते क्या हुआ है, काफ़ी सारे प्लेसेस में मैंने देखा है जो जो एप्लीकेशन डार्क मोड है वहाँ पर अभी डार्क मोड इनपुट करने के वजह से क्या हो गया है, टोटल एक ब्लैक टाइप का थीम आ चुका है, और जिसके अंदर व्हाट्सएप भी पड़ता है। पर व्हाट्सएप को मैंने अभी तक डार्क मोड में इसलिए रखा है क्योंकि मुझे वो डार्क वाला लेआउट पसंद है। मैं जो कि प्रॉब्लम सह करके भी डार्क मोड रखूंगा, क्योंकि मुझे वो डार्क वाला लेआउट बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं आपका पसंद है या नहीं। आप बात करते हैं भाई नंबर 2, और नंबर 2 मुझे पता नहीं आप लोगों को एक्चुअल में हुआ है कि नहीं, वो है भाई मेरा फिंगरप्रिंट, यानी फिंगरप्रिंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। आप लोगों को पता भी नहीं है, मैंने कल से 2 से 3 बार मैंने फिंगरप्रिंट को रीसेट किया। ये है मेरा फिंगरप्रिंट, और मैं एक बार से यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ, तब तक आपको एक ब्लैक स्क्रीन देखने को मिलेगा। तो ये फिंगरप्रिंट है, और अभी मेरे फिंगर 1 है। तो कल तक मेरे 2 फिंगर्स काम कर रहे थे, पर आपको पता भी नहीं है कि मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। एक बार के लिए भी मेरा फिंगर ज़्यादा सही से काम नहीं कर रहा है, बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि फिंगर इज़ नॉट मैच, आप 30 सेकेंड बाद या 60 सेकेंड बाद टैप करिए। तो यानी मैं यहाँ पर क्या किया, फिंगरप्रिंट को डिलीट किया, नया फिंगरप्रिंट इंस्टॉल किया, उसके बाद जाके चेक किया, वहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम। आप लोगों को पता है कि व्हाट्सएप में एक न्यू ऑप्शन आई है जिसके थ्रू आप काफ़ी अच्छे काम कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट ऐड लॉक ऐड कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह में, पर आपको यहाँ पे जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट को लगाते हैं तो ज़रूर से ज़रूर व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट के टाइम देखिए, अभी मेरा डिसेबल है, तो फिंगरप्रिंट के टाइम देख लीजिए आपका फिंगर काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि कल से मेरा फिंगरप्रिंट व्हाट्सएप में एकदम काम करना बंद कर दिया। अभी आप बताओ फिंगरप्रिंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके फ़ोन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड नंबर 3 जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले जाता हूँ मैं मोबाइल के बैटरी वाले सेक्शन में, तो बैटरी तो काफ़ी सही चल रहा है, अभी 53% है, सुबह से चार्ज दिया है, अभी तक यूज़ कर रहा हूँ। पावर यूसेज में भी एक बार देख लेते हैं, मैं कल का दिखाऊंगा, आज का भी एक बार आपको दिखा देते हैं कि देखिए सिस्टम लॉन्चर 9.7%, क्योंकि बहुत कम मैंने मोबाइल को यूज़ किया है, क्रोम थोड़ा बहुत ज़्यादा खा रहा है, व्हाट्सएप भी बहुत ज़्यादा खा रहा है, पर अभी मैंने सुबह तक इसको चार्ज किया था 82%, और 82% से लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज 1 day 6 hours 38 minutes, और स्क्रीन ऑन टाइम 8 घंटे 1 मिनट, और अवेलेबल 18 hours। पर मैं कल का जो रिपोर्ट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ये कल का टोटल रिपोर्ट है। कल मैंने एक भी गेम खेला नहीं था, और फिर इसके बाद भी सिस्टम का जो लॉन्चर है वो 16% बैटरी ड्रेन कर रहा है, और उसके बाद यूट्यूब ड्रेन कर रहा है क्योंकि मैंने यूट्यूब देखा था, व्हाट्सअप कम ड्रेन कर रहा है, आज व्हाट्सअप थोड़ा ज़्यादा ही ड्रेन कर रहा है 18%,
पर मुझे पता नहीं व्हाट्सएप इतना ड्रेन कर रहा है, पर मुझे जो दिक्कत है वो है भाई इसका सिस्टम लॉन्चर से, जहाँ पे 16% बैटरी ड्रेन कर रहा है और बाकी कुछ भी प्रॉब्लम मैंने नहीं देखा। अभी आप बताओ आपका बैटरी ड्रेन इशू सॉल्व हुआ कि नहीं, क्योंकि मैंने पूरा 24 घंटे में, मुझे 24 घंटे आराम से चल गया ये जो फ़ोन का बैटरी है 100%। मैंने 2% करने के बाद चार्ज में लगाए थे, पूरा ड्रेन करके देख लिया विदाउट गेमिंग, मैं नॉर्मल यूजेस करके इसको देख रहा हूँ और उसका रिजल्ट आपके सामने अभी है। तो अभी आप बताओ नीचे कमेंट्स में कि आपको क्या बैटरी ड्रेनिंग का इशू देखने को मिला है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि बैटरी ड्रेनिंग इशू अभी हो गया है सॉल्व, तो बहुत ही अच्छी बात है अगर सॉल्व हो जाए। मुझे तो अभी थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, आने वाले टाइम में शायद देखने को ना मिले, यही जो कि मैं बात करूँगा। तो भाई लोग बस इस वीडियो में इतना, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो बाकी प्रॉब्लम्स है एक बार के लिए बता देता हूँ, लाइक यूएसबी प्रॉब्लम, लाइक एप्लीकेशन क्रैश प्रॉब्लम, लाइक और जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को, वो प्रॉब्लम्स मुझे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले। ब्राइटनेस इशू बहुत वगैरह कुछ होते थे, पर प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल देखने को नहीं मिले, काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है ये, डार्क मोड भी अच्छे से काम कर रहा है सिवाय कुछ कुछ एप्लीकेशंस के, और बाकी जो मोबाइल है काफ़ी अच्छे काम कर रहा है, इंटरनेट भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। आप नीचे कमेंट करके बताएं नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं और बैटरी ड्रेनिंग हो रहा है कि नहीं, ये सब मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। तो भाई लोग बस इस वीडियो में इतना, इस वीडियो में आप लोगों को यही बताना था बस के बारे में, मुझे जो फेस हुआ है मैंने बताया, अभी आप लोगों का काम है कि नीचे कमेंट करके बताना आपको क्या क्या फेस हुआ है। तो भाई लोग इस वीडियो में इतना ही, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, वीडियो को एक बार लाइक करना ना भूलें।